एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू वेरी अफोर्डेबल विंटर हॉल। इट्स अ मिंत्रा हॉल, और इस वाले हॉल में आपको बहुत ही ट्रेंडी स्वेटर्स, स्वेटशर्ट, पुलोवर सब कुछ मिलेगा। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो या आप ऑफिस गोइंग हो, या इवन मैंने इसमें कुछ स्वेटर्स ऐसे भी मंगाए हैं जो आप कहीं भी नहीं जा रहे, सिर्फ आप घर में रह रहे हो, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। इस वाले हॉल में टोटल मैंने 10 स्वेटर मंगाए हैं, स्वेटर, स्वेटशर्ट, पुलोवर, जिसमें सब कुछ है, एंड ऑल ऑफ दीज आर अंडर 500। आपको आज के हॉल के प्राइस बताऊँ तो ये स्टार्टिंग 308 से लेके गोज अप टू 500 है, विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। सो लेट्स स्टार्ट। एंड स्टार्ट हम लोग H&M से ही करते हैं। सो आज के हॉल का पहला जो है वो है ये H&M का पिंक स्वेटर। ये बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आपने H&M कभी भी ट्राई किया है तो आपको पता होगा इसके स्वेटर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। बेस्ट पार्ट मुझे इसका ये लगता है, स्वेटर्स बहुत सॉफ्ट होने के साथ साथ वॉर्म बहुत होते हैं। लेंथ थोड़ी सी कम है ये, बट ये क्रॉप नहीं है। एंड इसकी क्वालिटी इट्स टू गुड। मुझे 490 में मिला था। जो इसके रियल प्राइस हैं वो कुछ यू कैन सी, इसके जो रियल प्राइस हैं वो 999 है, लेकिन अभी मिंत्रा पे जो सेल चल रही थी मैंने ये उसमें लिया है और मुझे ये 490 में मिला है। नेक्स्ट वन इज अनदर ट्रेंडी, इट्स फ्रॉम रोडस्टर, दिस इज इट। बट लेट मी टेल यू, आप इसके साथ सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर सकते हो, फैशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन इट्स नॉट वॉर्म। और वॉर्म होगा भी कहाँ से, क्योंकि ये जो इसमें आप डिज़ाइन देख रहे हो वो एक्चुअली इसमें से आपकी स्किन दिखेगी, तो आपको इसके नीचे कोई स्पैगेटी या कुछ ऐसा डालना होगा अगर आपको दिक्कत नहीं है तो। बट यार ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, और इसके प्राइस हैं 500 रुपये। अगर आप कुछ फैशनेबल देख रहे हो तो इट कैन बी गुड ऑप्शन फॉर यू। नेक्स्ट वन इज दिस, एंड दिस इज फ्रॉम ड्रेस बेरी। इट्स अ वेज कलर, और जो इसके नेक पे डिज़ाइन दी हुई है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लग रहा है मुझे, ट्राई करने के बाद पता चलेगा एक्चुअली है भी या नहीं। इट्स नॉट दैट मच वॉर्म, आपको इसके साथ कुछ ना कुछ और डालना होगा, या आई थिंक सेमी विंटर में ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन विंटर के लिए तो आपको इसके साथ जैकेट या कोट या कुछ तो डालना होगा। इट्स नॉट दैट वॉर्म। इसके जो प्राइस हैं वो हैं 444, ये मुझे 444 में मिला है। जो मैं कह रही थी कि आपको, अगर आपको कॉलेज या ऑफिस कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए नहीं चाहिए, घर के लिए चाहिए, घर में पहनने के लिए कुछ चाहिए, तो इट कैन बी अ गुड ऑप्शन। एंड इट्स फ्रॉम रोडस्टर, और ये वाला इस वाले हॉल का मोस्ट अफोर्डेबल स्वेटर है। ये मुझे सिर्फ 308 रुपये में मिला था, एंड आई थिंक प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड नेक्स्ट वन इज फ्रॉम स्ट्रीट 9, इट्स अ वाइट शॉर्ट स्वेटर। इस पे जो ये इन्होंने डिज़ाइन दी हुई है वो बहुत ही सुंदर लग रही है मुझे, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
मैंने हर किसी में स्मॉल साइज़ ऑर्डर किया है, या फिर मुझे किसी में स्मॉल साइज़ नहीं मिला होगा तो मैंने एम कर दिया होगा, क्योंकि आई लाइक लूज वेट बट मुझसे बहुत बॉडी हग फिट वाले स्वेटर नहीं पहने जाते। इनके साइज़, इनकी लिंक सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट वन इज़ अनदर फ्रॉम H&M। इसमें ना मैंने दूसरा पीस ऑर्डर किया था, बट इन्होंने मुझे उसी का सेम दूसरा कलर दे दिया है। जो ये पहले पिंक वाला देखा था, ये सेम इसी का कलर है, तो ये मुझे गलत प्रोडक्ट। मुझे तो पिंक वाला ज़्यादा अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताना आपको इन दोनों में से कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगा। इसके भी सेम प्राइस हैं 490। एंड नेक्स्ट वन इज अनदर फ्रॉम रॉडस्टर एंड इट्स सो कूल। इसकी जो स्लीव्स हैं वो वाइट स्लीव्स हैं इसकी, और इसका लुक इतना अच्छा आ रहा था ना, इसे मैंने ट्राई करके देख लिया है, इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा था पहनने के बाद, बहुत ही कूल लुक आ रहा था इसका, बहुत ट्रेंडी लुक लगा मुझे इसका। मुझे ये पहले उतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन ट्राई करने के बाद आई जस्ट लव इट, मुझे बहुत ही अच्छा फिट लगा इसका। एंड आप गैस करो ये कितने का होगा, ये मुझे सिर्फ 485 रुपीज़ में मिला है, एंड आई थिंक इट्स टू मच अफोर्डेबल, क्योंकि जो इसकी क्वालिटी है, इट्स एक्चुअली वॉर्म, ये बहुत वॉर्म है, आपको इसके नीचे या इसके साथ कुछ भी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। इट्स अ बॉडी हग स्वेटर, और थोड़ी थोड़ी सी इसमें जो ये डिज़ाइन दी हुई है, इट्स नॉट अ रिब्ड एक्चुअली, बट ये कुछ ऐसी रिब्ड वाली डिज़ाइन दी हुई है इसमें। इसकी मुझे ये वाला भी मैं ट्राई करके देख चुकी हूँ, इसकी स्लीव्स मुझे थोड़ी सी छोटी लगी थी, बट वैसे इसका लुक मुझे अच्छा लगा था और फिट भी इसका अच्छा था। क्वालिटी इसकी उतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन हाँ इट्स ओके ओके। इसके जो प्राइस है वो है 340। दिस वन इज़ फ्रॉम स्ट्रीट 9। इट्स अ पुलोवर, इट्स अ क्रॉप पुलोवर। बिलीव मी, इसका जो लुक था बहुत बहुत सुंदर लुक आ रहा था इसका, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये बहुत वॉर्म है और कलर ऐसे देखने में शायद आपको कलर ऐसा लग रहा हो, लेकिन पहनने के बाद जो इसमें ये इसके कलर में जो ये शेड्स हैं अलग अलग, जो टेक्स्चर दिया हुआ है वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर इसकी स्लीव सब कुछ मुझे एकदम परफेक्ट लगा।
इसके जो प्राइस हैं वो हैं 500 एंड आई थिंक इट्स वर्थ इट क्योंकि ये बहुत वॉर्म है। एंड द लास्ट वन ऑफ दिस हॉल इज फ्रॉम प्रोडस्टर। ये भी पुल ओवर है लेकिन ये लूज फिट पुल ओवर है और इसमें ऐसे कलर में थोड़ा थोड़ा सा व्हाइट का शेड दिया हुआ है। इसका जो मुझे फिट है उतना अच्छा नहीं लगा। और इसके जो प्राइस हैं वो हैं 390। सो दैट्स इट फॉर दिस हॉल। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट डू लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल राइट नाउ।